छिंदवाड़ा में एक युवती को शादी के लिए दबाव डालने और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन नहीं किए जाने पर तेजाब डालने और जान से मारने की धमकी भी दी गई। छिंदवाड़ा से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। सारना निवासी युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर बताया कि टीपू सुल्तान उर्फ साबिर अली नामक युवक उसे धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाल रहा है, बात न मानने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। साइबर सेल में पिछले 6 महीने से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद एसपी विवेक अग्रवाल के कहने पर धर्म टेकड़ी चौकी में कार्रवाई हुई है। युवती के वीडियो वायरल कर मदद की गुहार लगाने के बाद हिंदू संगठन सक्रिय हुआ। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि यह मामला लव जिहाद का हिस्सा है, पुलिस को समय पर कार्रवाई करना चाहिए। पिछले 1 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। साबिर अली नाम का लड़का मुझे मेरे को ब्लैकमेल करता है, बोलता है मैं तुझे जान से मार दूंगा। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में मेरे नाम की फर्जी आईडी बनाता है और मेरी फोटोज़ पोस्ट करता है। 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ ये सब, और मेरे को बदनाम करता है, बोलता है मैं तेरे ऊपर तेजाब फेंक दूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा, तेरी मम्मी को जान से मार दूंगा, और धर्म परिवर्तन के लिए बोलता है इस्लाम कबूल कर ले और मेरे से शादी कर ले, और ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वहीं एसपी विवेक अग्रवाल ने बताया कि जानकारी के अनुसार चौकी प्रभारी को जाँच के आदेश दे दिए गए हैं, जो भी सामने आएगा कार्रवाई की जाएगी। धर्म टेकरी चौकी प्रभारी महेंद्र भगत ने बताया कि सिवनी निवासी टीपू खान नामक युवक सारना की एक युवती को परेशान करता था, जिस पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक शिकायत था चौकी क्षेत्र में प्राप्त हुई है, उसकी जांच चौकी प्रभारी द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य पुष्टि होगी उसके आधार अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।